पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है? भोला राम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, पिता। तो इसमें से विकल्प नंबर ए सही है, यानी ए और सी, भोला राम का जीव और जामुन का पेड़। ये दोनों व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है जो भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर चोट करती है, अर्थात है भारतीय कार्यालयों को जो कार्य करने की शैली है उस पर चोट व्यंग्यात्मक तरीके से लेखक ने किया है। भोला राम का जीव कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई और जामुन का पेड़ कहानी के लेखक हैं कृष्णचंद्र। ये दोनों कहानियाँ भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर चोट करती है। इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी के तौर पे सिक्का बदल गया के लेखक हैं कृष्णा सोबती और पिता के लेखक हैं ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है, हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। सूची एक में लोकमंचीय स्वरूप दिया गया है और सूची दो में प्रांत। तो पहला है सांग, विदेशिया, माच और ख्याल। इसमें से ये पहचानना है कौन सा लोकमंचीय स्वरूप किस राज्य से संबंधित है। तो सांग तो संबंधित है हरियाणा से, यानी पहला जो ऑप्शन है वो तीसरे का है, यानी एक का तीन कौन है। तो अगर एक पता है तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन थ्योरी से पहले ही सारे ऑप्शंस को हम छाँट सकते हैं, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। विदेशिया बिहार का एक लोकमंचीय रूप है, तो बी का चार होना चाहिए। वैसे इसका आंसर तो विकल्प नंबर दो है। और माच जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में विकसित लोकमंचीय नाट्य है, और ख्याल लोकमंचीय रूप राजस्थान से संबंधित है। सांग के बारे में विशेष जानकारी यह है कि ये सांग हरियाणा का एक लोकप्रिय लोक नाट्य है। इसमें खुले स्थानों पर बाधक बैठता है, बीच में चारों तरफ से दर्शक होते हैं या श्रोता होते हैं, और फिर लोकमंचीय मतलब लोक नाट्य का प्रचलन किया जाता है। दूसरा माच है, माच या माचा भी इसे कहते हैं, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में विकसित हुआ है। इसमें कथाओं या फिर प्रेम प्रसंगों तथा हास्य व्यंग को शामिल किया जाता है। इसमें बच्चों और महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है, क्योंकि हास्य व्यंग करते करते कभी कभी अश्लील और फूहड़पन के स्तर तक यह लोकमंच रूप पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन थ्योरी से ही बना सकते हैं। एलिमिनेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है, जैसे किसी एक का आंसर हम जानते हैं उससे ऑप्शन को हम छाट लेंगे। वैसे इसमें है जूही की कली, भारत भारती, प्रिय प्रवास और प्रथम रश्मि, ये काव्य रचनाएं हर बार नेट के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर होता है प्रकाशन वर्ष से रिलेटेड। तो वैसे इसमें सिर्फ जूही की कली के बारे में मुझे पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसे 1916 में लिखा था। तो सिर्फ एक भी अगर पता हो तो हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ए के साथ तीन सिर्फ विकल्प नंबर दो में ही है। और शेष रचनाओं के बारे में बात करें तो भारत भारती जो कि 1912 में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, सुमित्रानंदन पंत ने 1919 में लिखा था प्रथम रश्मि, जबकि प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। वैसे प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? ये फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको याद है तो आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो वैसे इसका सही आंसर आप देख ही रहे हैं कि 5 है, यानी आचार्य भरत ने काव्य में जो दोषों की संख्या बताई है वो 5 बताई है अपने ग्रंथ के माध्यम से।